हरी लक्ष्मी नारायण नारायण हरी हरी सत्यनारायण नारायण हरी हरी मम महागणाधिपते नमः स्वाहा ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और थर्सडे में आज है मेरा फास्ट और आज है भैया बीच वाले भाई के यहाँ हवन भी, तो हम उसी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और देखो भाभी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारी। राम राम जी। निकलते यहाँ चल रही है हवन की तैयारी। क्या क्या बना लिया? प्रसाद बना लिया। प्रसाद बन गया। प्रसाद बन गया। हमने तो हलवा बनाया है। वो नहीं, कसार भी तो होता है पूजा में, तो कसार भी है। यहाँ सब तैयारी कर रखी है भाभी ने। हम थोड़ा लेट हो गए आने में, तो बस अब चलो पूजा में। अब पंडित जी आने वाले हैं, थोड़ी देर में पूजा होगी, तो मिलती हूँ आपसे। आप बच्चे देखो ऐसे मेहमानों की तरह बैठ गए आज। चलो उठो जाओ और काम करवाओ, थोड़ा सा जाओ। यहाँ बच्चे तो बच्चे ही है ना, जब तक नहीं बताओ तो काम नहीं करते और खेल में लग जाते हैं। मेरे खेल में लग गए तो बिल्ली के साथ। और अभी नीचे पूजा स्टार्ट होने वाली है, पंडित जी आने वाले हैं, तो निकल जाओ बेटे। चलो जाओ काम करवा लो, थोड़ा सा सामान वामान रखवा दो। तो यहाँ दुकान के प्रवेश द्वार पर रख दिया था एक लोटा कलश, यानी कि चावल से भरा हुआ और नारियल। तो ये यहाँ पर इस पे प्रवेश करना था और नारियल को फोड़ना था, तो पंडित जी यही बता रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ भैया की दुकान की हो रही है ओपनिंग, तो यहाँ पर नारियल फूट गया है और प्रवेश हो गया है और अभी पूजा आरम्भ हो रही है। तो पापा बैठे हैं, ये अभी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पापा कुर्सी पर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं बड़े भैया और भाभी वगैरह, बच्चे सब लोग आए हुए हैं, पापा भी आए हुए हैं। अभी हम लोग बड़े भैया के घर ही चले गए थे, तो वहीं से आए हैं। और यहाँ बीच वाले भैया ने अभी नई दुकान बनाई है, और तो बराबर में ही उनकी पुरानी शॉप है, तो अब वो नई दुकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अपना सामान रख लेंगे सारा दुकान का, और यहीं पर उनका चलेगा सब काम। और इसलिए यहाँ पर हवन भी करवा लिया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में होता है ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हवन पूजन होती है। तो बस भाभी ने मुहूर्त दिखवा करके और पूजन करवा लिया था, तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी थी और पंडित जी ने संकल्प दिला दिया है, और उसके बाद यहाँ सबके कलावा बांध रहे हैं और फिर कथा भी। और हम लोग तो वहाँ पर थे ही, तो भाभी ने बृहस्पतिवार का दिन और विष्णु भगवान का दिन था देख करके हवन करा दिया कि चलो आप लोग भी आए हो इस वजह से। और फिर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, घर घर के ही लोग हैं, और यहाँ पर बस आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर चल रही है पूजा। सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन अष्टादी हजार ऋषियों ने और नारद जी ने भगवान विष्णु से आकर पूछा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, हे प्रभु उनके दुखों का उपाय कोई जानते हो तो कहिए। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तब भगवान बोले, वह एक सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है जिसके करने से मनुष्य अनंत दुखों से दूर मोह जाता है और इस जग का सुख भोग कर अंत। मम महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम श्री वाणी हिरण्याय नमः स्वाहा। ओम श्री सचिव प्रत्याप्याय नमः स्वाहा। ओम श्री माता पिता चरण कमल प्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ईष्ट देव प्यो नमः स्वाहा। ओम ओम इतानम समर्पयामि।
तो फ्रेंड्स अभी सब लोग बाहर बैठे हैं और यहाँ पे मामी मामा जी भी आए हुए थे। तो ये भैया का बाहर का वो है और ये गेट है उनका मेन गेट, उधर भी ये दुकानें हैं और दो दुकानें इधर हैं और ये ऊपर रेजिडेंस है भैया का, तो अब पुराने वाले घर से इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे भैया भी। और यहाँ पर दुकान भी उनकी यहीं चलेगी और यहाँ बच्चे भी आ गए थे आस पड़ोस के और पंडित जी बना रहे हैं स्वास्तिक। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है क्योंकि वीडियो मेरी दो फ़ोनों में थी तो कुछ मिस भी हो गई और कुछ इधर उधर थोड़ी सी लग भी गई है, तो कोई बात नहीं। बस यहाँ पे पूरा हवन पूजन चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद भी बढ़ गया था तो सभी लोग बाहर बैठ गए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और यहाँ सब लोग बाहर, हवा भी चल रही थी और बाहर बैठ गए थे खुले में, तो अच्छा भी लग रहा था। यहाँ सब बच्चों को भी प्रसाद दे दिया है और यहाँ पर भाभी बैठी हैं और मामी जी बैठी हैं, तो ये भी प्रसाद खा रहे हैं। तो सबको प्रसाद वितरण हो गया है और पंडित जी को भी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है और पंडित जी बना रहे हैं स्वास्तिक, क्योंकि दुकान की ओपनिंग हुई है और नहाने को बच्चे भी आकर के बैठ रहे हैं। बच्चों को बुलाया है कन्याओं को जिमाने के लिए, तो यहाँ कन्याओं के लिए लग रहा है प्रसाद और खाना। सब बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है ना, लाइट नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। बना दिया स्वास्थ्य किसी भी खाने में रख लेंगे। पंडित जी ने अच्छे से स्वास्थ्य भी बना दिया, पूजा भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से करी है विधि विधान के साथ। तो फ्रेंड्स इसके बाद लास्ट में यहाँ पर दिया जा रहा है दक्षिणा, तो पंडित जी यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं और इस तो हमारी कथा और हवन संपन्न हो गया है, तो पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। उसके बाद यहाँ पर पंडित जी को भी खाना दे दिया था, तो पंडित जी खाना खा रहे हैं, उसके बाद मामी मामा जी भी आए थे तो उनको भी खाना दे दिया था और बच्चों ने भी खाना खा लिया था, सभी ने खाना खा लिया था। और उसके बाद तो बच्चे सो गए थे आराम से और फिर भाभी, दोनों भाभी खाना खा रही थी और मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मेरा फास्ट था बृहस्पतिवार का, तो भाभी ने फ्रूट्स कट कर दिए थे तो मैं फ्रूट्स खा रही थी। और यहाँ खाने में भाभी ने छोले, आलू टमाटर की सब्जी, हलवा और ये रायता, राइस, ये सब बना रखा था। खाना बहुत अच्छा सा बना हुआ था, टेस्टी। तो फ्रेंड्स बस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।